Hey guys, this is Mukul Sharma aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Before starting the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज की न्यूज स्टार्ट करने से पहले हम रियली सॉरी, आज आपको मैं ट्विटर पे बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ बिकॉज आज थोड़ा बिजी रहे हम लोग। अजय और मैं सुबह से गिफ्ट्स और रिव्यू यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल Redmi Note 8 Pro का ये जो ग्रीन कलर वेरिएंट है, इसको ये मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा था Redmi Note 8 Pro सीरीज में। एंड फाइनली Xiaomi हैज बीन काइंड इनफ टू सेंड मी दिस वन। ऑफकोर्स रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ Redmi Note 8 Pro का, इट्स अ वेरी डिसेंट स्मार्टफोन। बट अगर आप कंपेरिजन चाहते हैं कि मैं Redmi Note 8 Pro का किसी और स्मार्टफोन के साथ करूँ, इवन अगर आप कलर वेरियंट्स का आप चाहते हैं कि कंपेरिजन करके बनाई जाए वीडियो, definitely do let us know in the comment section down below. Other than that, Xiaomi has been kind enough to send me a New Year calendar, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने ट्वीट कल किया था। एंड तो फिर मैंने रात को Xiaomi के जो ऑफिशियल था उनसे पूछा कि me.com पे अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू परचेज इट। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बिकॉज दे हैड अ सरप्राइज फॉर मी फॉर द टीम स्टफ लिस्टिंग्स। उन्होंने वो कैलेंडर भी हमें आज भेजा है एंड थैंक्स अ लॉट Xiaomi फॉर दैट। Alongside that, one thing which a lot of my followers have constantly been asking is the Realme Buds Air True Wireless AirPods or whatever you want to call it. So finally वो मेरे पास अब आ चुके हैं, white color variant है मेरे पास, and इसकी अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। Meanwhile, we are covering each and everything you need to know about the Realme Buds Air. आप अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, आप पूछना चाहते हैं हमसे कि भाई इसकी क्या चीज़ कैसी है, क्या नहीं है, इसमें अच्छा है बुरा है जो भी है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमें। कोई ट्विटर पे आप पर्सनल मैसेज कीजिए, ट्वीट कीजिए, जितने क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं प्लीज़ पूछिए, सो दैट ये जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ इन बड्स एयर का वो एक अच्छा रिव्यू प्रूव हो। अब बड्स की बात की जाए तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज बड्स के साथ ही। सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस करके एक अपकमिंग बड्स है जो कि अब FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुके हैं। सो सैमसंग गैलेक्सी बड्स जो हमारे इनिशियल जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स सैमसंग ने निकाले थे, अब उनका एक सक्सेसर आने वाला है, जिसके बारे में पहले लोग कह रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 होगा उसका नाम, बट अब कंफर्म हो चुका है कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस नाम होने वाला है इनका। एंड सैमसंग गैलेक्सी S11 सीरीज के साथ ही हमें हो सकता है लॉन्च देखने को मिल जाए। अब FCC पे आ चुका है, तो आने वाले दिनों में बहुत सारी सर्टिफिकेशन पे आएगा, बहुत न्यूज उसके बारे में हमें मिलने वाली है, प्राइसेस, रेंडर्स वगैरह सब कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड ऑन ट्विटर एज वेल एज ऑन टेक स्टफ। आगे बात करते हैं सैमसंग की एक और स्मार्टफोन की, सैमसंग गैलेक्सी Xcover Pro, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, अगर आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो पहले की टेक स्टफ देख सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी Xcover Pro फाइनली ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन भी ले चुका है। आपको ज्यादा ये वेबसाइट्स वगैरह पे नहीं इसकी कवरेज देखने को मिलेगी बिकॉज इंडिया में ये सीरीज लॉन्च नहीं होती है, सो इंडियन वेबसाइट ज्यादा इसके बारे में ध्यान नहीं देती है। नेवरदिलेस मेरा काम आपको बताना, सैमसंग गैलेक्सी Xcover Pro इज लॉन्चिंग सून इन यूरोप एंड अच्छा खासा एक रगेड स्मार्टफोन होगा। इंडिया में अगर आप चाहते हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बट इंडिया में लॉन्च नहीं होगा ये। आगे बात करते हैं फिर से बड्स की, Realme Buds Air, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था। Realme Buds Air का मैंने बॉक्स पे चेक किया, उसका मॉडल नंबर है RMA108। सो इससे मेरा थोड़ा सा दिमाग खटका और मैंने MIIT वेबसाइट, जो कि चाइनीज वेबसाइट है सर्टिफिकेशंस की, उसको क्लिक किया और वहां पे ये जो बड्स हैं वो सर्टिफाई ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ एक दो महीने पहले से हो रखे थे भाई, और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। सडनली मीन्स Realme X50 स्मार्टफोन के साथ हमें Realme Buds Air भी देखने को मिलने वाले हैं चाइना में। Realme X50 की बात करते हैं। Realme X50 जनवरी 5th को लॉन्च होने के चांसेस हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें एक नए तरीके की लिक्विड कूलिंग देखने को मिलेगी जो कि परफॉर्मेंस इसकी एनहांस करेगी। थ्रॉटलिंग वगैरह जो हमारी होती है ड्यूरिंग पीक टाइमिंग्स गेमिंग करते हुए, वो हमें नहीं देखने को मिलेगा स्मार्टफोन में एज पर द कंपनीज क्लेम्स। एंड उसके साथ ही आज कंपनी ने एक नई कंफर्मेशन दी है कि Realme X50 में हमें VOOC 4.0 चार्जिंग देखने को मिलेगी, बट एक स्पेशल तरीके की चार्जिंग होगी, जैसा कि हमारा Redmi K30 के बारे में भी हुआ था कि भाई 30 वॉट चार्जिंग थी बट उसकी जो एक्चुअल चार्जिंग टाइम है वो बहुत कम था। सिमिलरली Realme XT में भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। अलॉन्गसाइड दैट एक नया थॉट मेरे दिमाग में आया, मैंने ट्वीट भी किया अभी उसके बारे में, कंफर्मेशन नहीं है, इट्स जस्ट माई थॉट। Oppo Reno 3 सीरीज जो आ रही है उसमें 3.5mm हेडफोन जैक नहीं है बिकॉज Oppo Reno सीरीज के साथ Oppo Enco फ्री ईयरबड्स भी लॉन्च हो रहे हैं। सो एक सेल करने के लिए 3.5mm हेडफोन जैक को हो सकता है कंपनी डिच कर दे। सिमिलरली क्या ऐसा हो सकता है कि Realme X50 में भी हमें 3.5mm हेडफोन जैक ना देखने को मिले? बहुत ज्यादा चांसेस है। आपको क्या लगता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आगे बढ़ते हैं Oppo की तरफ। Oppo A8 एक मिड रेंज स्मार्टफोन जो TENAA पे कुछ टाइम पहले सर्टिफाई हुआ था, मैंने आपको बताया था उसके बारे में इफ यू रिमेंबर, वो फाइनली लॉन्च हो चुका है। 6.51 इंचेस की हमें IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रही है, Helio P35 प्रोसेसर जो कि MediaTek का है। एक बजट से मिड रेंज स्मार्टफोन्स का जो पर्टिकुलर चिपसेट होता है वो इसमें यूज हो रहा है एंड अभी चाइना में लॉन्च हो चुका है। हो सकता है हमारा जनवरी में ये स्मार्टफोन इंडिया में भी आ जाए बिकॉज CPH20 सीरीज का ही ये स्मार्टफोन होने वाला है जो ऑलरेडी BIS सर्टिफिकेशन पे आ चुका है। अगर आप मेरे साथ एसोसिएटेड कनेक्टेड है पिछले कुछ टाइम से, तो आपको पता होगा 3 स्मार्टफोन्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, Oppo CPH 2001, 2005 एंड 2063 आई बिलीव। कुछ 3-4 स्मार्टफोन्स हैं जो BIS सर्टिफिकेशन पे आ चुके हैं Oppo की तरफ से, जो कि हमारे जनवरी या फरवरी में इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। आगे बात करते हैं फिर से रियलमी की। रियलमी के जो CEO हैं, जो हमारे माधव शेठ, बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट डाला था, परसों या कल एक ट्वीट डाला, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये साल अभी खत्म नहीं हुआ है, रियलमी की तरफ से कुछ ना कुछ हमें अभी भी देखने को मिलेगा। और उन्होंने वो कीवर्ड यूज किया है मास्टर। सो मेरे हिसाब से 2 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, या तो हमें इस साल के एंड तक December 25 के आसपास, क्रिसमस के आसपास, या तो हमें Realme X2 Pro का मास्टर एडिशन जो सीमेंट और वो था ना, वो जो ईंट विंट वाला, या तो वो देखने को मिल सकता है, या फिर Realme X2 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, बाय द वे उसका रिव्यू भी आ रहा है, Realme X2 का जो एक मास्टर जेडाई एडिशन जो था, हो सकता है वो आ जाए। सो इन दोनों स्मार्टफोन्स के में से किसी एक के लॉन्च होने के चांसेस हैं, हो सकता है दोनों ही लॉन्च हो जाएं। रोहित से कल मैं बात कर रहा था, उनके हिसाब से भी स्टार वॉर्स एडिशन आना चाहिए, मेरे हिसाब से भी यही है, बट हो सकता है हमारा Realme X2 Pro का मास्टर एडिशन भी लॉन्च हो जाए, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं X2 Pro की लॉन्च इवेंट में गया था, वहां पे उन्होंने मेरे को बताया था कि Realme X2 Pro का जो प्रीमियम मास्टर एडिशन है, उसके स्टॉक्स अभी इंडिया में नहीं अवेलेबल है, सो दिसंबर के एंडिंग तक ही उसके आने के चांसेस हैं। सो अभी के लिए मेरी बेट, चेंज कर रहा हूं अपने वर्ड्स, मेरी बेट अभी Realme X2 Pro मास्टर एडिशन पे जाएगी। देखते हैं इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन का मास्टर एडिशन इंडिया में लॉन्च होता है दिसंबर 25 के आसपास। आगे बात करते हैं वो वाईफाई की, दैट इज वॉइस ओवर वाईफाई। एयरटेल और रिलायंस जियो ऑलरेडी इंडिया में टेस्ट आउट कर रहे हैं वॉइस ओवर वाईफाई को। दिल्ली और कुछ और रीजन्स हैं इंडिया के, जैसे कि नासिक हो गया, इन दोनों रीजन्स में अभी वॉइस ओवर वाईफाई को ट्राई किया जा रहा है। एयरटेल की भी ये सर्विस एक्टिवेट हो चुकी है और रिलायंस जियो ने भी अब ट्राई करना शुरू कर दिया है। एयरटेल ने कुछ टाइम पहले अपने लिस्ट ऑफ एलिजिबल डिवाइसेस निकाले थे, जो रोहेज ने वहां पे पोको F2 लिखा था, पोको F1 जो भी था वो लिस्ट थी। उसके बाद अब कुछ नए स्मार्टफोन्स को भी एयरटेल सपोर्ट कर रहा है, उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। Samsung Galaxy S10 और S10 की पूरी सीरीज, Samsung Galaxy M20 सरप्राइजिंगली, एंड उसके साथ OnePlus 6 जो कि एक बहुत पुराना स्मार्टफोन हो चुका है अब, इन तीनों स्मार्टफोन्स पे भी अब एयरटेल का वॉइस ओवर वाईफाई सपोर्टेड है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्मार्टफोन है और अगर आप दिल्ली या नासिक रीजन्स में रहते हैं, प्लीज इसको एक बार चेकआउट करके देखिए। अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे यूज करना है, यू कैन गो टू mysmartpress.com, वहां पे मैंने एक आर्टिकल बनाया था कुछ टाइम पहले कि आप वॉइस ओवर वाईफाई कैसे यूज कर सकते हैं अपने एलिजिबल स्मार्टफोन्स पे। आप चेक करके देखिए, अगर आपके पास कुछ भी न्यूज आती है इसके बारे में, प्लीज मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजिए, आई विल गिव यू द ड्यू क्रेडिट फॉर द सेम। अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की। लास्ट न्यूज अकेले स्मार्टफोन की न्यूज नहीं है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स की न्यूज है। आज कुछ नया ट्रेंड अब शुरू हुआ है पिछले एक हफ्ते से। जितने भी स्मार्टफोन्स 2019 में लॉन्च हुए हैं, फ्लैगशिप जो मोस्ट ऑफ द फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, उनके एक टोन्ड डाउन वेरिएंट्स अब बहुत जल्दी हमें देखने को मिलने वाले हैं। सो कंपनीज क्या कर रही हैं कि भाई मेरे हिसाब से जो स्मार्टफोन ज़्यादा सेल नहीं हो रहे बिकॉज वो थोड़े से महंगे हैं, उनके टोन डाउन वेरियंट्स भी लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। ऑल ऑफ दी स्मार्टफोन्स हैव बीन सर्टिफाइड ऑन टेना। अभी के लिए चाइना में ये वेरियंट्स आएंगे, बट हो सकता है इंडिया में भी देखने को मिल जाए। सबके बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीवो के साथ। वीवो 1901A करके एक स्मार्टफोन है जिसका ऑलरेडी 4GB रैम वेरिएंट अवेलेबल था, अब उसका 6GB रैम वेरिएंट भी आ चुका है। सेकंड बात करते हैं Mi CC9 Pro स्मार्टफोन की, जो कि इंडिया में बहुत जल्दी Mi Note 10 करके लॉन्च होने वाला है। उसके अर्लियर वेरिएंट्स तो थे, उसके साथ ही साथ एक नया 12GB रैम वेरिएंट भी सर्टिफाई हो गया और एक 64GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट भी अब सर्टिफाई हो चुका है। सो 12GB के साथ हो सकता है हमें 256GB देखने को मिल जाए, और जो 8GB वेरिएंट है उसके साथ हो सकता है हमें 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाए। कॉम्बिनेशन मैं नहीं करके बता रहा हूं, आप वो खुद कर सकते हैं, यू डू द मैथ्स। बट कुछ 2 नए वेरिएंट्स CC9 Pro के भी आ चुके हैं। आगे बात करते हैं एक बजट स्मार्टफोन की, Redmi 8। Xiaomi ने Redmi 8 स्मार्टफोन जो लॉन्च किया था इंडिया में कुछ टाइम पहले, बजट स्मार्टफोन है, सस्ता स्मार्टफोन है इन माय ओपिनियन। उसके 3GB वेरिएंट का ही प्राइस बहुत अच्छा खासा था, बट अब कंपनी कह रही नहीं, इसको और सस्ता कर देते हैं। एक नया रैम वेरिएंट और सर्टिफाई हो चुका है, 2GB रैम है उसमें और 16GB इंटरनल स्टोरेज है। सो एक बहुत ही बजट फ्रेंडली मेरे ख्याल से स्मार्टफोन होने वाला है। ये स्मार्टफोन जो है इंडिया में लॉन्च होने के बहुत चांसेस हैं। आगे बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग गैलेक्सी S10, S10 Plus, S10e, Note 10, Note 10e, Note 10 और ये जितने भी स्मार्टफोन्स थे, सबके नए वेरिएंट्स सर्टिफाई हो चुके हैं। आने वाले दिनों में हमें 6GB वेरिएंट्स इन सारे स्मार्टफोन्स के मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं Huawei की तरफ। Huawei की जो Mate 30 स्टैंडर्ड स्मार्टफोन के कुछ नए रैम वेरिएंट्स निकल के आए हैं, 6GB और 12GB के 2 नए रैम वेरिएंट्स निकल के आए हैं, और उसके साथ ही 64GB और 256GB की इंटरनल स्टोरेज भी अब सर्टिफाई हो चुकी है। सो ये कॉम्बिनेशंस भी हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाले हैं पक्का से। और बात करते हैं आज के लास्ट स्मार्टफोन की, Huawei Mate 30 Pro 5G। सो Mate 30 Pro 5G जो स्मार्टफोन था, उसका एक नया 512GB वेरिएंट भी अब सर्टिफाई हो चुका है। सो Huawei के जो Mate 30 सीरीज है, वो इंडिया में तो लॉन्च वैसे भी नहीं होती है, बट चाइना में हमें जल्दी ही इनके नए वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं आज के पोल की। हमने एक नया कल्चर स्टार्ट किया है, रोज हम एक डेली पोल निकाल के आ रहे हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे तो मैं करता ही करता हूँ, यूट्यूब पे भी हमने पोल स्टार्ट किया और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल कल के पोल्स का रिजल्ट मैं थोड़े टाइम में शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का पोल हम रखते हैं Realme Buds Air के लिए, बिकॉज ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल। Realme Buds Air मैं मुंह पे ओपनली बोल रहा हूँ, येस इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एप्पल एयरपॉड्स, ऑफकोर्स कॉपीड कहो या इंस्पायर्ड कहो, जो भी कहो, डिजाइन इज ऑलमोस्ट द सेम, अंदर से भी बाहर से भी सब कुछ मिला के हमें एप्पल एयरपॉड्स की एक कार्बन कॉपी देखने को मिल रही है। बट क्या ये डिजाइन जो कि कॉपीड है या इंस्पायर्ड है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इज इट गुड फॉर द एंड कस्टमर और नॉट? क्या ये कॉपी अच्छी कॉपी है या एक बहुत ही लेम एक एफर्ट है रियलमी का? डू लेट अस नो इन द पोल, मैं कार्ड्स में लगा रहा हूं, प्लीज पोल करके बताइए, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहा। सो रिजल्ट्स की बात की जाए तो कल का पोल है, उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूं। कल का क्वेश्चन था विच इज द बेस्ट Redmi K30 और Redmi K30 Pro, बिकॉज आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि Redmi K30 Pro में हमें मेमोरी और प्रोसेसर ही अलग देखने को मिल सकता है, ज्यादा चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलेंगे। बट सरप्राइजिंगली इनफ 71% ऑफ यू, 71% लोगों ने कहा है कि Redmi K30 Pro इज गोइंग टू बी बेटर देन Redmi K30। अब हो सकता है किसी लोगों के पैरामीटर्स ये रहे कि भी प्राइस को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, जो भी है आई अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स एंड 71% पीपल हैव वोटेड फॉर द Redmi K30 Pro दैट दे कैन नॉट वेट फॉर दैट डिवाइस टू लॉन्च इन इंडिया। स्पीकिंग ऑफ द Redmi K30 सीरीज, एक हिंट आपको जाते जाते देके जा रहा हूं, आज बात की है कम थोड़े लोगों से, बहुत जल्दी इंडिया में आने वाली है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो देयर यू गो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस।